असम सीमा क्षेत्र के सर्वेक्षण और निरीक्षण के लिए मिजोरम सरकार की ओर से गठित कोर कमेटी की एक कार्यदल ने सीमावर्ती इलाकों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। टास्क फोर्स में मिजो जिल्लाई पॉल, राज्य के शीर्ष छात्र निकाय और सरकारी अधिकारी शामिल है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार सीमा मुद्दों पर उचित कार्रवाई करेगी। कार्यदल की अध्यक्षता कोलासिब जिला वन अधिकारी लाल नुनपुआ कर रहे हैं और इसमें भूचंग रेंजर, वेरेंटे रेंजर, सेपम रेंजर और एमजेपी नेता शामिल है। कार्यदल ने सोमवार को सर्वेक्षण शुरू किया और असम मिजोरम सीमा पर सेपम और सेफई गांव का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। टीम ने सीमा क्षेत्र का दौरा किया है और मंगलवार को जोफाई और फैशन क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। यह सर्वेक्षण 18 जुलाई तक जारी रहेगा और इसमें मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और म्यांमार सीमा सहित सभी सीमावर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण होगा। सर्वे समाप्त होने के बाद टास्क टीम मुख्यमंत्री लालथन हावला को अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। नागालैंड के लोग आमतौर पर पेयजल और कृषि कार्य के लिए भूमिगत जल पर निर्भर है, जबकि सर्दी के मौसम में भूमिगत जल के सूख जाने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में नागालैंड सरकार, ग्रामीण विकास और भूमि संसाधन विभाग, टाटा ट्रस्ट, अर्घ्यम, एडवांस सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, पीपल्स साइंस इंस्टीट्यूट, नॉर्थ ईस्ट इनिशिएटिव डेवलपमेंट एजेंसी और एलुथ्रोस क्रिश्चियन सोसाइटी साझा रूप से 3 साल तक इस सिलसिले में एक परियोजना पर काम करेगी। In this project management program on providing water security through spring set management in 100 villages of Manang. This is, has been initiated by ITA and ultimately it will be concurred with the Rural Development Program's AGNRHA. I wish and hope that through the implementation of this project could bring in immense benefits in the livelihood of the rural people in future. इस परियोजना का लक्ष्य नागालैंड के 100 गांव में जल स्रोत की वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षा करना है। संघ के बीच अक्टूबर 2017 में ही इस सिलसिले में एक करार हुआ था। बुधवार को कोहिमा के SIRD कॉन्फ्रेंस हॉल में नेडा के एक कार्यक्रम के दौरान इस परियोजना को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। बंगाल मॉनिटर लिजर्ट की तरह दिखने वाले एक सांप ने बुधवार को उदयपुर शहर में हलचल मचा दी। उदयपुर शहर के सेंट्रल रोड से यह सांप बरामद किया गया। सेंट्रल रोड पर लगे बाजार में अचानक इस सांप को दुकानदारों और ग्राहकों ने देखा तो उनके बीच हड़कंप मच गई। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों ने सांप को पकड़ लिया और वन विभाग को इसकी सूचना दी। আমি ওই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছিলাম, অপর সাইড থেকে এটা ধরে ওই দোকানে ঢুকেছে। তখন আমি মনে করেছি যে
বেজি বা অন্য কিছু ঢুকেছে, গিয়ে দেখি এটাকে বস্তা ইউজ করছি। একটা ড্রাম আছিল মিউজিশিয়ানের ড্রাম, ড্রামটা দিয়ে চাপা দিছি, বেড়ে গেছে। তারপরে নিজের বলে গিয়ে ছালা দিয়ে ওকে চাপ দিয়ে পরশটা এসেছে। सूचना मिलने पर SDFO पल्लव चक्रवर्ती मौके पर पहुंचे और सांप को अपने जिम्मे में ले लिया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह बंगाल मॉनिटर्ड लिजर्ड है और उदयपुर में इसका पाया जाना असंभव है, क्योंकि यहां कई बड़ी बड़ी झीलें और गोमती नदी है। वन विभाग ने सांप को अमरपुर उदयपुर सड़क के गांधारी के घने वनांचल में छोड़ दिया। मणिपुर विश्वविद्यालय में जारी तनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मानव संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत के लिए कल दिल्ली रवाना होंगे। गुरुवार को इम्फाल के सचिवालय में एन बीरेन सिंह ने मीडिया से कहा कि राज्य सरकार मणिपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मौजूदा स्थिति पर बहुत चिंतित है। इसलिए मंत्रियों की एक टीम को लेकर इस मुद्दे पर बातचीत के लिए वे दिल्ली जा रहे हैं। मुख्यमंत्री केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिलेंगे और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आद्या प्रसाद पांडे पर लगे विभिन्न आरोपों की जांच के लिए समिति बनाने के संदर्भ में चर्चा करेंगे। State government, we are very much concerned about the prevailing underage situation in the Manipur University, and some of the teams, government teams, along with concerned minister, are leaving for Delhi tomorrow, and we will apprise the situation to the ISRD ministry to immediately sort out and expedite the issues, because the academic atmosphere in Manipur has now begun affected. The most of the colleges has been asked to shut down, and which is very unfortunate. And our teams will definitely ask to the ISRD ministry and the concern to form a committee and to investigate the matter in details. कुलपति प्रोफेसर आद्या प्रसाद पांडे की बर्खास्तगी की मांग में मणिपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 30 मई से बंद कर दिया गया था। विश्वविद्यालय में छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ का धरना आज 44 दिन में प्रवेश कर रहा है।